हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम बात करते हैं वैदिक मैथ्स के नेक्स्ट वीडियो की। इससे पहले मैंने 5 वीडियोस इसके ऊपर बनाई हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं जिसमें मैंने स्क्वायर्स निकालना और फ्रैक्शंस के ऊपर वीडियो बनाए हैं, सो वो जरूर देखिएगा। आज बात करते हैं एक जनरल ट्रिक, एक सिंपल ट्रिक सीख रहे हैं जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी संख्या आ जाती है उसका वर्ग कैसे निकालें, तो इसका एक जनरल शॉर्टकट देखते हैं। आपको शायद याद होगा कि एक हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। हम इसका यूज करके ये ट्रिक बनाते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था अगर आपको याद हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद है आपको, ऐसा होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो तीन टर्म है इसका हम यूज करेंगे, लेकिन हम उसको लिखेंगे इस सिक्वेंस में। पहले हम लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे 2ab और फिर हम लिखेंगे बी स्क्वायर। तो जो भी आपको नंबर दिया हो, जैसे मान लीजिए आपको नंबर 71 दिया है, तो आपको जो लास्ट डिजिट है उसको बी मानना है हमेशा। जो आखिरी डिजिट है उसको बी मानना है, और आगे कितना भी बड़ा हो, चाहे आगे एक डिजिट हो, दो डिजिट हो, उनको ए मानना है। सो हमेशा लास्ट डिजिट को बी मानिए और आगे वाले को ए मानिए, और इसमें पुट कर दीजिए ए स्क्वायर, 2ab और बी स्क्वायर। अब क्या करना है, आपको पीछे से लास्ट से शुरू करना है और लास्ट डिजिट लेना है बस उसका, और अगर उसमें कोई कैरी है तो वो आगे जोड़ते जाना है। राइट, कैरी जो है वो जो हासिल है वो आगे जोड़ना है। ऐसे ही हम चलते जाएंगे। तो जैसे हमारा ये नंबर था 71 का, अगर हम स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम पीछे वाले नंबर को बी मान लेंगे और आगे वाले को ए मान लेंगे। वैसे इसका तरीका मैंने आपको बताया भी है कि अगर नंबर 50 के आसपास हो, ऐसे मैंने आपको 100 के आसपास वाले भी बताए थे, तो उससे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बड़े नंबर आ जाते हैं तो उससे इस ट्रिक से आप बड़ी जल्दी निकाल पाएंगे। तो आपने क्या करना है, पहले लिखना है ए स्क्वायर, पीछे लिखना है बी स्क्वायर, और बीच में लिखना है इनका मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है, 2ab बीच में लिखना है। तो पहले आ गया 49, फिर आ गया है 14 और फिर आ गया है 1। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, पीछे से लास्ट से एक डिजिट लेना है। तो यहाँ तो एक ही डिजिट है, 1 रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दो डिजिट है। अब आपको लास्ट डिजिट ही लेना है, जो मैंने कहा था 4 लेना है। अब ये 1 कैरी बच गया है, हासिल बच गया है, तो इसको आगे ऐड कर देना है। तो 49 और 1 जो बच गया एंड में 50, वो आपका पूरा आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया बड़े आराम से। अब मान लीजिए आपके पास 23 का स्क्वायर आपको निकालना है। वैसे तो 1 से लेके 30 40 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, तो 23 का आराम से कैसे, ए स्क्वायर इधर लिख दिया, बी स्क्वायर इधर लिख दिया, बीच में क्या लिख दिया, 2ab। तो ये हो गया 4, ये हो गया 12 और ये हो गया 9। तो यहां से लास्ट डिजिट लेंगे 9, यहां से लास्ट डिजिट लेंगे 2 और 1 इसमें ऐड कर देंगे, ये हो गया 529। है ना आसान तरीका स्टूडेंट्स। मान लीजिए नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 76, तो ए स्क्वायर इधर लिखिए, बी स्क्वायर उधर लिखिए, बीच में इसको मल्टीप्लाई करके डबल कर दीजिए, तो वो जाएगा 42 का डबल 84। तो यहाँ 49 फिर 84 और ये 36। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी कर पाएंगे। तो 6 आ गया। अब ये 3 आगे आपको ऐड करना है क्योंकि लास्ट डिजिट लेना था, तो ये 3 इसमें ऐड कर दो, 87 हो गया। अब इसका 7 लेंगे और 8 आगे चला जाएगा, 8 आगे चला जाएगा तो 57 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। अब हम और फास्ट करते हैं। अब नंबर है 1 2 3, तो हम लास्ट वाले को बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। नीचे इनको मल्टीप्लाई, बीच में इसको मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, 9 आ गया, फिर 2 आ गया और 7 इसमें ऐड कर दो, दैट्स इट। कितना आसान है, बड़ी जल्दी आंसर आ जाता है। और बड़ा नंबर लेते हैं, मान लीजिए 253 है, तो 25a हो गया है, इसका स्क्वायर इधर, इसका स्क्वायर 3 का अलग, बीच में लिख देंगे, इनको मल्टीप्लाई करके डबल कर देंगे। तो 625, उसके बाद है 150 और उसके बाद है 9। तो 9 पीछे आएगा, फिर 0 पीछे आएगा, 15 को आगे ऐड कर दो 15 को, आंसर आ गया। सो स्टूडेंट, आपको 186 का स्क्वायर कमेंट में लिख के बताना है, और ये ट्रिक कैसी लगी वो भी बताइए, एंड हमारे YouTube चैनल को बैंक बी को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।